गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनन। जनन पे आज हम लोग मनन करने वाले हैं कि जनन है क्या और कैसे इसको समझाया जाए, ठीक ना। बायो का टर्म है बाबू, सभी लोग जुड़ जाइए, जितने लोग हैं सभी लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ जाइए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। अब चलिए बात करते हैं जनन की। जनन होती है क्या है, अजनन है क्या, ठीक ना। फिर से देखिए, इधर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। देखिए जनन, या तो सर जी हम बात करें सबसे पहले मानव की, ये तो पता है ना बाबू, मानव में दो, एक नर और एक मादा, तीसरा जनरेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, तीसरा जेंडर की हम बात नहीं कर रहे। समय आएगी तो उसके लिए बात किया जाएगा, ठीक ना। जल्दी जल्दी बाबू बन जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग लाइक कीजिए, जितने लोग मौजूद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। आज जनन पे मनन होने वाली है, जनन चैप्टर की कहानी होगी और जनन चैप्टर की बात को समझा जाएगा और देखा जाएगा, ठीक ना। आप देखिए हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए मानव दो प्रकार के, नर मादा, ठीक है। अब देखिए मानव दो क्रियाएं करते हैं, एक प्रजनन करते हैं और एक जनन करते हैं, ठीक ना। बारीकी से और प्रेम से इस चैप्टर को समझेंगे और समझे मजा आएगा सर जी। जिस भाषा में समझिएगा उस भाषा में समझाएंगे हम, जिस भाषा में आप लोग इस चैप्टर को समझिएगा उस चैप्टर में हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। बाकी सब लोग सर जी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, और जुड़े रहिए हमारे साथ सर जी। प्रतिदिन हम एक एक क्लास की वीडियो लेकर आ रहे हैं और प्रति नाइट 8 बजे क्यूरी सेक्शन लेकर आ रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए मानव की जन्म की कहानी में सबसे पहले सर हम बात कर रहे हैं किसकी, मादा की, ठीक ना। मादा जनन बात करें तब हम कहां पे, मादा जनन अंग के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, इसके बारे में समझ रहे हैं मादा जनन अंग के बारे में कि मादा जनन अंग होते किसे किसे हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक ना। सब लोग मेरे साथ बने रहिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजा वाला चैप्टर है वो, ठीक ना। जिसको समझ में आ रहा होगा ना तो बड़ी मजा आएगा इस चैप्टर में। जनन पे आज गान या मनन करने वाले हम लोग हैं, ठीक ना। पूरे सर जी हम मादा के भी बताएंगे, नर का भी बताएंगे और एक और जेंडर होते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बस आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए और इस पर सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक ना। ठीक है, हमने जनन अंग की बात करते किसकी, मादा की, ठीक ना। मादा जनन अंग की बात करते हैं, वो कहां कहां हो सब लोग लाइक करते चलिए, ठीक ना। अब देखिए मादा जनन अंग में होते क्या क्या है और क्या क्या चीजें हैं, एक एक चीज को हम लोग देखते चलते हैं और बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। आखिर मादा की जनन अंग होती कैसी है और किस तरह से, देखिए हमने एक छोटा सा एक चित्र बनाया आपके सामने, ठीक ना। एक छोटी सी चित्र से हमने आपको दर्शाया, इसमें हमने आपको दिखाया क्या गर्भाशय, योनि की बात की, फलोपियन नलिकाओं की बात हमने किया, अंडवाहिनी की बात की, हाइमेन की बात की, रोला की बात की, ठीक ना। या तक तो बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले सर अंडाशय की बात हम लोग जानते हैं, अंडाशय क्या है, ठीक ना। अंडाशय से ही सर जी क्या बनेगा, अंडाणु बनता है। दिमाग इस बात को चुन लीजिए, प्रत्येक महिलाओं में दो अंडाशय होती है, ऐसे तो सर जी पुरुष में भी होते हैं दो ही अंडाशय, लेकिन हम पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, महिलाओं की।
और प्रत्येक महिलाओं में दो अंडाशय होती है। ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा, जाओ मजा आएगा बाबू। ठीक ना, सब लोग चीजें हम लोग क्या जान रहे हैं और किसकी बात की हम बात कर रहे हैं। ठीक ना, अब देखिए, ठीक ना, प्रत्येक महिलाओं में अंडाशय से अंडाणु बनती, तो पता है ना बाबू सब लोग कि मादा में क्या होगा अंडाणु और इसमें क्या होंगे शुक्राणु। ठीक ना, ध्यान से लिखिए जब बाबू, जब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो एक कोशिका की निर्माण करता है। ध्यान से दब दिमाग डालते चल इस बात को। मादा की अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है, पुरुष के शुक्राणु सबसे छोटी का कोशिका होती है। देखो इसे छोटे छोटे अंदाज में होते हैं। ठीक ना बाबू, ये सब चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक ना, कुछ लोग उम्र से ज्यादा इसका खराब इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक ना, इसको तरीके से सेव में रखिए, सेव जोन में रखिए सब चीज को। ठीक ना, अब बने रहिए मेरे साथ, मजा आएगी एकदम, गारंटी ले लो बाबू। भोजपुरी में भी सिखाएंगे इसके इस चैप्टर के बारे में। ठीक ना, अब देखते हैं। देखो शुक्राणु और अंडाणु मिल गई, तो महिला के अंडाणु कहां से निकला, अंडवाहिनी मतलब अंडाशय से। ठीक ना, आ कई गो हो, दूगो, कितने दूगो। ठीक ना, अब देखिए तरीके से धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब किडनी के भी बारे में बताएंगे, गर्भाशय के बारे में बताएंगे और फलोपियन नलिकाओं के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक ना, अब बात करते हैं सर किसकी, फलोपियन नलिकाओं की। फलोपियन नलिकाओं होती क्या है और कैसी होती है। ठीक ना, समझते चलिए और देखते चलिए फलोपियन नलिकाएं है क्या। ठीक ना, ठीक है, देखिए बाबू ने यह एक एक चौड़ी नलिकाए हैं। ठीक ना, सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। फलोपियन नलिकाए एक चौड़ी नलिकाए हैं। ठीक ना बाबू, तारे दिखाए बड़ा भी कर करके चीज की दिखाए। ठीक ना, तू बना रहा हमारे साथ और देखते चलिए। ठीक ना, अब बात करते हैं फलोपियन नलिकाओं की। ठीक ना, देखिए फिर से सर जी बात हो रही है रेलवे की, तो रेलवे में सर जी आज का दौर बायो और केमिस्ट्री। ठीक ना, और जहां सवाल एसएससी एमटीएस की जो कुछ दिन में आपका फॉर्म फिलअप होगा उसमें भी बायो का क्वेश्चन आपके सामने और आपके समक्ष पेश किए जाएंगे। ठीक ना, अब देखते हैं फलोपियन नलिकाएं होती क्या है और ये क्या क्या चीजें कराती है और कैसे होती है। पहले बाबू, इन नलिकाओं में फलोपियन नलिकाओं में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है जब एक पुरुष और एक महिला दोनों एक साथ जोड़कर जो संभोग करते हैं उसको निषेचन कहते हैं। वो कहां होती है बाबू, फलोपियन नलिकाओं में होती है। क्या बात समझ में आई है तो बोलिए हाँ, अगर बात समझ में आई है तो सब लोग बोलिए हाँ। ठीक ना, अब देखिए धीरे धीरे सर जी फलोपियन नलिकाएं की कार्य विधि क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक ना, देखिए अब जो इसकी जो दीवारें होती है सर जी वो पतली और मोटी होती है। ठीक ना, पतली और मोटी होती है। ठीक ना, और मान लो सर जी तनेने आ जाओ अपना भाषा में समझा जाओ। ठीक ना, मान लेते सर जी इसको हम एक फर्स्ट बार एक लड़का और एक लड़की। ठीक ना, दोनों संभोग करने जा रहे हैं। बगैर लड़का ध्यान से सुनो ससुराल, तुम लोग बहुत तेज है, अब समझ रहे हैं, इससे पहले तुम लोग सब जानता है सब चीज। ठीक ना, सब लोग जानता है। अब देखिए पहली बार मान लो ना एक दूसरे के बीच संपर्क बना, ये मान लो लड़का है ये लड़की है, किसी को भी मान ले रहे हैं। ठीक ना, अब दोनों एक साथ जुड़ गए, जब पहली बार इन दोनों के बीच में सर जी निषेचन की जो क्रिया होगी वो किसमें होगी, फलोपियन नलिकाओं में होगी। ठीक है, तो जब पहली बार ये बंदा इनके साथ जब ये प्रक्रिया करेगा तो एक अलग सी इसको महसूस होगी। ठीक ना,
क्या महसूस हो कि कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, हम बताएंगे सर जी, ठीक ना। तो इसको साफ कर ले रहे हैं बोर्ड को, ठीक ना। जिसको लिखना है लिखते चलेंगे, मेरे बात को नोट बनाते चलिए और लिखते चलिए, ठीक ना सभी लोग। अब देखिए जो बात हमने अभी बताई, ठीक ना। अब बात करते सर जी फिर से, फिर वही दो। अभी सर जी बात किसकी हो रही है, फुलपिन नलिकाय की बात हो रही है। हम आपके ग्रामाशय भी पढ़ाएंगे, योनि भी पढ़ाएंगे, भले भी पढ़ाएंगे, पूरे मादा जन अंग की एक एक कहानी हम आपको सिखा देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक ना। अब देखो हम, ठीक ना, दो तीन दो हमारे स्टूडेंट बढ़ जाए जो बड़ी बदमाश हो जा, ठीक ना, हर जगह जहां हम पढ़ाते हैं, ठीक ना, अरे लोग रुचि आने लगा जे बाबू सुन रहे था, कमेंट कर दीजिए जो है ना, वो समझ रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना। कुछ हमारे पीरों में भी है सदी शैतान है वो लोग, ठीक ना। अब देखिए, अब देखिए, मान लो सर जी ये इनसे ये बने सर जी मोहनदास, ठीक ना, ये बनी रीता, ठीक ना। ये दोनों की सर जी पहली बार मैरिज हुआ, ठीक ना, और ये एक साथ दोनों युगमज बना रहे हैं, युगमज जान से बाबू जुड़ते रहे सबको मजा आएगा, दम गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, युगमज बना रहे हैं। और युगमज बनाने के दौरान इन दोनों के बीच सर जी कौन सी प्रक्रिया होगी, हो निश्चेषण प्रक्रिया होगी, अनिश्चित होगी हो, ठीक ना। अब बाबू रे जिसको उम्र पे नहीं हो रहा है प्रक्रिया तो बंद हो जाके दवाई करावे, ठीक ना, जिकरा अगर दिक्कत बा तो जाके दवाई करावे डॉक्टर से भेंट करे, ठीक ना, इस उम्र पे होना चाहिए, ठीक ना, ये सब चीजें को। लेकिन पढ़ाई के साथ से जुड़कर समझना हम लोगों को, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में ज्यादा अच्छी मत कीजिए। अब देखिए निश्चेषण की प्रक्रिया हो, जब इससे दोनों में निश्चेषण होगा तो जो शुक्राणु सर पुरुष से यानी नर से फुलपिन नलिकाओं में जब प्रवेश करेगी, ठीक ना, तो सर जी या 100 माइक्रोन के बराबर गति से अंदर की ओर छटपटाते हुए ये जीव जाने लगते हैं, ठीक ना। छोटे छोटे जीव है, देख लो बाबू, एक निश्चित उम्र तक ही, एज तक ही ये शुक्राणु का निर्माण होगा, आजीवन भर के लिए नाम मिला है, ठीक ना, ध्यान से देख लेना। अब निश्चेषण की बात कर रहे हैं, ठीक ना, एक निश्चित समय तक ही बना हुआ है, ठीक ना। अब देखिए, अब हम बात को आगे की ओर ले चलते हैं। जब दोनों के बीच सर निश्चेषण हुआ, जो शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश किया तो कितनी गति में आगे चला सर जी, 100 माइक्रोन के आगे गति में प्रवेश किया, और किसके दीवारे पर चला गया, फिलिपियन नलिकाओं के द्वार द्वार पर चला गया, ठीक ना। इसके मोटी मोटी दीवारों पर, ध्यान से देखिए, मोटी मोटी दीवारों पर बनी हुई है, अतिक्रे के अंदर इस क्या पता छटपटा रहा है, ठीक ना, धीरे धीरे सर जी डांस कर रहा है, शुक्राणु जो हम लोग का उसके अंदर प्रवेश किया है वो डांस कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए, लगभग सर जी बहुत सारे भूख या बहुत सारे जानकारी से मिलेगा आपके, लगभग 12 घंटे तक शुक्राणु जो होते हैं वो मदा के अंदर फुलपिन नलिकाओं के द्वारा बहुत 12 घंटे तक जीवित रहते हैं, ठीक ना। जो शुक्राणु होंगे वो कितने घंटे तक जीवित रहेंगे, 12 घंटे तक जीवित रहेंगे, ठीक ना। अब देखा ना बाबू, मोहनदास के शुक्राणु और रीता दास के अंडाणु अगर 12 घंटे के अंदर दोनों मैच कर लिया तो सर जी एक नए युगमज के क्या कर देगा, निर्माण कर देगा, ठीक ना। अब सर जी जब नए युगमज का निर्माण होगा तो ग्रहवासे के द्वारा ग्रहनाल में चीज पहुंच जाएगा, और जब ग्रहनाल में पहुंचेगा ना तो सर जी एक नया बच्चा क्या होगा,
निर्माण होता है। यानी कि सर जी हमने आपको पहले ही बताया शुक्राणु और अंडाणु एक साथ मिलकर एक कोशिका की क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक ना। और आगे देखते हैं हम लोग, अब बात करते हैं सर जी मनुष्य की आगे बढ़ना। कौन कौन होता है ना ससुरा का लड़की देखेगा ना तो गौर गौर से बात को सोचता है, ख्यालों में डूब जाता है, ठीक ना, कि ऐसे करेंगे वो करेंगे प्लान करेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक ना। एक बार बढ़िया पोस्ट की नौकरी ले लो, ठीक ना, उसके बाद फुली लाइफ एंजॉय करना वो तुम्हारी है, ठीक ना। एक बार तू गवर्नमेंट नौकरी लेकर देखो वो तुम्हारी है, ठीक ना। अनाथ बाबू नौकरी से पहले अगर आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको सफल नहीं बनाएगी, ठीक ना, आपका जो दिमाग है ना वो खराब कर देगी, ठीक ना। अब देखिए, अब बात करते सर जी फिलिपियन नलिकाओं में, जो फिलिपियन नलिका होते हैं सर जी प्रत्येक मादा की या वह अंग होती है ना जिससे उनको एक स्वच्छ और एक मानसिक तनाव को दूर करने वाली यह ग्रंथि भी है, ठीक ना। जो हम लोग सर जी चीज को पढ़ रहे हैं ना सर जी, ये सब चीज होना भी क्या है, जरूरी है, जिससे मानसिक तनाव मनुष्य के क्या होते हैं, कम होते हैं और कम चीज को करते हैं। अगर शरीर खराब होता तो बनता नहीं, ठीक ना। इसको हम बोर्ड को साफ कर ले रहे हैं, ठीक है, जिसको लिखना है तो लिखिए, तब तक हम बोर्ड को मिटा रहे हैं, उतारते हैं, बनते चलिए सभी लोग बनते रहिए। चलिए अब बात करते हैं सर्जे मन किसकी, गर्भाशय की। आप लोग भी कॉपी पेडिंग लगा लीजिए, गर्भाशय की। गर्भाशय है क्या और क्या चीज है, अगर जिसको आ रहे हैं ना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट देते जाए गर्भाशय क्या है, ठीक है ना। पहली बात सर जी, गर्भाशय एक मोटी दीवारे है जो अनेक अनेक पेशियों पेशियों से बनी है, ठीक ना। फिर से बाबूरे या महिला की गर्भाशय है और एक मोटी दीवारें है जो अनेक पेशियों से बनी हुई है और निर्मित है, ठीक ना। अब देखते हैं, अब आगे की बात करते हैं। ऐसे कुछ सामान्यतः सर जी गर्भाशय की आकार होती कितनी है, गर्भाशय की सर जी 7 से 10 सेंटीमीटर तक इसकी मोटाई होती है, ठीक ना। क्या बात समझ में आ रही है, तिरासी वाला कमेंट कीजिए, ठीक ना। गर्भाशय कितनी लंबी होती है, तो 7 से 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है प्रत्येक मादा में सर जी। ये जो गर्भाशय होती है 7 से 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, ठीक ना। अब देखिए बगैर इस सब देखता है, हम लोग का मानसिक सोच है दिमाग पर, ठीक ना। अब मान लो किसी खूबसूरत लड़की को देखिए, दिल में अलग सी बेचैनी होने लगती है, ठीक ना। कोनो कोनो को सपना सोचने लगते हैं, ब्याह कर लें, हाई कर लें, हाउ कर लें, कुछ ना हो जाए बाबू तार समय चिगार हो जाए, तो ओकरा देख के एक्टिव हो गया, ओकरा घिचाए लगला। काहे कि सर जी जब नर जन अंग की बारे में बात करेंगे ना तो काहे हम लोग एक्टिव हो गए हैं इसके भी बात कहेंगे, ठीक ना। लेकिन कुछ लड़कियां आती है जो कंट्रोल करके रखती है, ठीक ना, उनके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक ना, उनके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। और कुछ लड़के तो सर इतना सपना देखेंगे सर जी ना कि तारों के शहर में लेकर जाने लगेंगे, कुछ ही समय में तारों के शहर में, चलो तुझे ले चले कहा तारों के शहर में, ठीक ना। ऐसा बात ना होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए जब सर जी इन गर्भाशय में अगर बच्चा चला गया है तो 8वें महीने के दौरान इसकी जो लंबाई होगी 17 से 18 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। जब देखता है ना, जब माता जी के पेट में जब बच्चा होता है ना तो अचानक सर जी उनके नीचे, याद रखना नाभि के
के नीचे गर्भाशय के द्वारा ही बच्चे रहते हैं, ठीक ना। अब उनको ऊर्जा प्लेसेंटा देता है, पेट के एक ब्लड का आकार की होती है, हम आपको डिस्कशन करेंगे इसमें प्लेसेंटा के बारे में। लेकिन जब वो बच्चा आठवें महीने के दौरान गर्भाशय में प्रवेश करता है तो कितने लंबे होते हैं, 17 से 18 सेंटीमीटर लंबे हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है, तो हाँ ना बोलिए कमेंट बॉक्स में सब लोग जल्दी जल्दी। अब बात करते हैं सर, ठीक है। अब गर्भाशय, ये देखो है हमारा क्या गर्भाशय, ठीक ना, ध्यान से देखते चलिए। इस गर्भाशय के नीचे क्या है सर जी, योनि है, ठीक ना। लेकिन इसके नीचे एक ग्रीवा होता है, क्या होता है बाबू, ग्रीवा होता है। और जब योनि खुलता है ना बाबू, ग्रीवा के रास्ता से ही योनि खुलता है, ठीक ना। जो अगर योनि खुलेगा तो ग्रीवा के रास्ते से ही योनि खुलता है। एकदम याद कर लेना इस क्वेश्चन को और दिमाग में रख देना कि मादा की जो योनि खुलती है, जो गर्भाशय के नीचे होती है, वो तो किस रास्ते से खुलती है, ग्रीवा के रास्ते से खुलती है। क्या इतना बात समझ में आ रही है, तो बोलिए हरियाणा, ठीक ना। एक ना फिर हम बोर्ड को साफ कर ले रहे हैं, तब तक इसको लिखना है जरूर। बात करिए, मोटी दीवारें हैं, अनेक पेशियों से बनी होती है, इनकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, अठवे महीने के दौरान इतनी होती है। उतारिए इसको, चलिए लिख लिए होंगे। अब आगे बात करते हैं, देखिए जो ये बाबू गर्भाशय होती है ना, ये धीरे धीरे बड़ी होती है, ठीक ना। नीचे की ओर बड़ी होती चली जाएगी, धीरे धीरे बड़ी होती, अचानक एक ही बार बड़ी नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे बड़ी होते होते नीचे की ओर जाती है और ग्रीवा के स्थानों के पास पहुंच जाती है, जिससे योनि का दरवाजा क्या होते हैं, खुल जाते हैं, योनि के द्वार खुल जाएंगे, जो आगे मात्रा में फैलते चले जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब डिस्कशन कर रहे थोड़ा सा सर्जी योनि की, ठीक ना। पुरुष गण अंग की बात होगी, पूरे के पूरे अधिवृषण से लेकर श्रीषण तक की सारी कहानी हम बताएंगे, ठीक ना। योनि क्या होती है, ठीक ना। अब योनि की बात करते हैं, योनि एक पेशीय नली है, योनि एक पेशीय नली है, ठीक ना। बाबू रे बन जा, शेर बन जा, कुछ लोग बन बन के हट जा रहे हैं, नहीं जुड़ जाइए सब लोग, ठीक ना। ना तो बाबू फिर गाना की बजा, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। चलिए आगे कर लो, जुड़ जाइए सब लोग, जुड़ जाइए, गाना गाने का दिन मत आए सभी लोग, ठीक ना। अब देखिए, योनि एक पेशीय नली है, ठीक ना, जिसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। बोला हरियाणा सब लोग, सभी लोग बोलिए हरियाणा, ठीक ना। मजा आएगा सर जी, तब निश्चित गारंटी के साथ बायो का एक एक कंसेप्ट आपके अंदर डाल देंगे हम, बस आप सभी लोग जुड़ जाइए दिल से, ठीक ना। अब देखिए, योनि एक पेशीय नली की होती है, जिसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। इन दीवारों पर एक झिल्ली सी होती है, इसकी दीवारें पर एक झिल्ली सी होती है, ठीक ना। हम फिर से बता दे रहे बाबू, हम महिला यानी कि मादा जनन अंग की बात कर रहे हैं। सब लोग जुड़ते चलिए मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते चलिए, हाय आना बोलिए, बात समझ में आ रही है तुम सभी लोग, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो योनि होती है सर जी, इसी से पेशाब द्वार, ठीक ना, पेशाब द्वार की रास्ता भी खुलता है, इसी स्थान से रास्ता भी खुलती है, ठीक ना। जो सर जी मूत्राशय और मलाशय दोनों एक ही रास्ते से अटैच रहती है, ठीक ना। जो मूत्र मार्ग होंगे और मलाशय होंगे, मल द्वार जो एक साथ ये योनि से जुड़े रहते हैं,
जो आगे की ओर बढ़ते और घटते रहते हैं, ठीक ना। देखिए जो यह योनि होती है सजी ना, एक अलग प्रकार की क्षमता से होती है, ठीक ना, जो बढ़ते चलती है और महिलाओं को इससे ऊर्जा अनेकों प्रकार की भी मिलती है, ठीक ना। अब देखिए, अब बात करते हैं सजी ना कि गर्भवती महिला के दौरान सजी कुछ गुप्त जननांगों में एक खजुलाहट यानी खुजली सा होने लगती है, वो सभी किसके कारण होती है उसके भी बात करेंगे, ठीक ना। लेकिन मामू आप लोग सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए सर जी, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सर जी धन्यवाद, थैंक यू सर जी, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू।